आखिर क्यों भारतीय नागरिकों को अलग अलग रंग के पासपोर्ट जारी करती है सरकार, और ट्रेन की पटरियों पर क्यों नहीं लगती है जंग, और एक ऐसी ट्रेन जिसमें बैठकर आप कर सकते हैं आधे हिंदुस्तान की सैर। तो चलिए शुरू करते हैं अमेजिंग फैक्ट्स का ये मजेदार सफर। फैक्ट नंबर वन, भारत में ट्रेन यातायात का अहम साधन है जिसके जरिए रोजाना करोड़ों लोग सफर तय करते हैं। आमतौर पर किसी भी ट्रेन का एक निश्चित रूट होता है जिसे तय करने में कुछ घंटों का समय लगता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन के बारे में सुना है जो 72 घंटे तक लगातार पटरियों पर दौड़ती रहती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस ट्रेन को हिमसागर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, जो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली दूसरी ट्रेन है। इस ट्रेन को जम्मू कश्मीर के कटरा से कन्याकुमारी के बीच चलाया जाता है, जो कि एक साप्ताहिक ट्रेन है। हिमसागर एक्सप्रेस इकलौती ऐसी ट्रेन है जो देश के लगभग 12 राज्यों से होकर गुजरती है। इस ट्रेन को साल 1984 में शुरू किया गया था, जबकि उस समय ये भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन मानी जाती थी। अपने सफर के दौरान हिमसागर एक्सप्रेस 12 राज्यों से होते हुए लगभग 70 स्टेशन पर रुकती है, जबकि इस ट्रेन को अपना रूट पूरा करने में लगभग 71 घंटे और 50 मिनट का समय लगता है। हिमसागर एक्सप्रेस में सफर करने वाला व्यक्ति आधे भारत के दर्शन कर सकता है, क्योंकि ये ट्रेन दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे अलग अलग संस्कृति वाले राज्यों से होकर गुजरती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिमसागर एक्सप्रेस का रूट इतना लंबा है कि ये ट्रेन हर स्टेशन पर सिर्फ 2 से 5 मिनट के लिए ही रुकती है, जबकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इसका स्टॉप टाइम 25 मिनट का होता है। अगर आप भी एक सफर में आधा भारत घूमना चाहते हैं तो हिमसागर एक्सप्रेस में टिकट बुक करवा सकते हैं, जिसमें सेकेंड और थर्ड एसी के साथ स्लीपर कोच की सुविधा होती है। फैक्ट नंबर टू, अगर आप घूमने फिरने का शौक रखते हैं तो यकीनन आपने होटल और होम स्टे के बारे में जरूर सुना होगा। होटल, होम स्टे या हॉस्टल जैसी चीजें टूरिस्ट प्लेस में काफी ज्यादा प्रचलित हैं, जहां पर्यटक अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से ठहरते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होम स्टे और होटल में क्या फर्क होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इन दोनों ही चीजों को पर्यटकों की जरूरत के हिसाब से लॉन्च किया गया है। आमतौर पर होमस्टे और हॉस्टल का किराया कम होता है, क्योंकि इसे कॉलेज स्टूडेंट्स या सोलो ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। होमस्टे या हॉस्टल में सिंगल रूम से लेकर शेयरिंग रूम्स की सुविधा होती है, जिनका किराया अलग अलग होता है। इसके अलावा यहाँ पर्यटकों को खाने पीने के लिए कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि होमस्टे या हॉस्टल में गेम्स और पार्टी की सुविधा भी होती है। वहीं दूसरी तरफ होटल में नॉर्मल रूम होते हैं, जिसमें गर्म पानी और टीवी समेत दूसरी चीजों की सुविधा होती है। इस तरह के होटल रूम परिवार और कपल्स के लिए परफेक्ट होते हैं, जहां आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और उसके बदले ग्राहक को हर तरह की सुविधा दी जाती है। फैक्ट नंबर थ्री, भारत में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और दिव्य मंदिर हैं, जो कई बार विज्ञान के नियमों को चुनौती भी देते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां स्थापित नंदी महाराज की मूर्ति से लेकर जलकुंड का पानी, सब कुछ बहुत ही रोमांचक है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में यगंती टेम्पल अर्ध नारीश्वर भगवान को समर्पित है, जहाँ रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में नंदी महाराज की एक मूर्ति है, जिसका आकार साल दर साल बढ़ता रहता है। वहीं वैज्ञानिकों की माने तो नंदी महाराज की मूर्ति को जिस पत्थर से बनाया गया है वो बढ़ने वाली तासीर रखता है। यही वजह है कि नंदी महाराज की मूर्ति हर 20 साल में 1 इंच की औसत लंबाई के साथ बढ़ रही है। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि मूर्ति को सामान्य पत्थर से बनाया गया है और उसका बढ़ना भगवान का चमत्कार है। ठीक इसी तरह मंदिर में एक पानी का कुंड भी है, लेकिन ये पानी कहां से आता है इस बात का पता आज तक नहीं लग पाया है। इसके अलावा मंदिर के पानी का इस्तेमाल आसपास की जमीन की सिंचाई के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा यगंती मंदिर में कौवे भी नहीं आते हैं, जिसे लेकर ये मान्यता है कि ऋषि अगस्त ने कौवों को श्राप दिया था कि अगर वो यहाँ आएंगे तो उनकी मौत हो जाएगी। इस मंदिर के रहस्यों को कई बार सुलझाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिकों को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। फैक्ट नंबर फोर, आज के समय में युवा अलग अलग तरह के नशीले पदार्थों को खाते हैं, जिससे उनकी सेहत और करियर बर्बादी की राह पर पहुंच जाता है। इन्हीं नशीले पदार्थों में से एक है कोकीन, जिसकी खरीद फरोख्त पर भारत में बैन लगा हुआ है।
हालांकि इसके बावजूद भी कई लोग इस नशीले पदार्थ को खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस कोकीन को आज नशे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो किसी जमाने में एक दवाई हुआ करती थी। दरअसल साउथ अमेरिका में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग कोकीन को दवाई के रूप में इस्तेमाल करते थे, जिससे उन्हें लंबे समय तक ऊर्जावान और फ्रेश रहने में मदद मिलती थी। इसके लिए वो लोग कोका के पौधों की खेती करते थे और उसके पत्तों को चबाते थे। इतना ही नहीं, कोका के पत्तों को पानी में उबालकर एक खास तरह के ड्रिंक के रूप में पिया जाता है। ये ड्रिंक बच्चों से लेकर बड़े और बुजुर्ग हर किसी के लिए लाभदायक होती थी, जिससे आदिवासी समुदाय के लोग बीमारियों से दूर रहते थे और उन्हें शारीरिक श्रम करने के लिए पर्याप्त एनर्जी मिलती थी। इसके अलावा कोका के पत्तों को चबाने से दिमाग पर भी अच्छा असर पड़ता है, जिसकी वजह से लोग सकारात्मक सोच के साथ ज्यादा बेहतर ढंग से काम करते थे। लेकिन जब बाहरी लोगों को कोका के पौधों की जानकारी मिली तो शुरुआत में उसकी खेती पर बैन लगा दिया गया था। हालांकि विरोध के बाद कोका के पौधों पर अध्ययन किया गया और जब इसके औषधीय तत्वों की जानकारी हुई तो कोका की खेती पर टैक्स लगाया जाने लगा था। स्पेन जैसे देश में कोका का इस्तेमाल करके एनर्जी ड्रिंक बनाई जाती है, जिसको अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में पिया जाता है। वहीं कोका में एल्कोलाइड कोकीन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, जो नींद न आने की समस्या को दूर करता है। वहीं कोका के पौधे से मिलने वाले कोकीन पाउडर को फार्मा मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कई लोग इस पदार्थ को नशे के लिए भी यूज करते थे। फैक्ट नंबर 5, इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत का रेलवे सिस्टम दुनिया के सबसे तेज और लंबे नेटवर्क में आता है, जिसकी वजह से देश के ज्यादातर राज्यों में ट्रेन की पटरियां नजर आती हैं। आपके दिमाग में कभी न कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि ट्रेन की पटरियों पर जंग क्यों नहीं लगती है, जबकि लोहा हवा और पानी के संपर्क में आते ही जंग पकड़ने लगता है। इसके अलावा इन पटरियों से रोजाना सैकड़ों ट्रेनें होकर गुजरती हैं, जो धूप, बारिश और सर्दी जैसे अलग अलग मौसम की मार झेलती हैं। दरअसल ट्रेन की पटरियों को बनाने के लिए मैग्नीज स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 12% मैग्नीज और 0.8% कार्बन होता है। इस वजह से ट्रेन की पटरी हवा और बारिश के संपर्क में आने के बाद भी आयरन ऑक्साइड की प्रक्रिया से बची रहती है, जिसकी वजह से उसमें जंग नहीं लगती है। इसके अलावा रेलवे अधिकारी हर बार पटरियों की जांच करते रहते हैं, क्योंकि जरा सी लापरवाही होने पर सैकड़ों यात्रियों की जान जा सकती है। अगर ट्रेन की पटरी को सिर्फ लोहे से बनाया जाएगा तो पानी और हवा के संपर्क में आने की वजह से उसमें ऑक्साइड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसकी वजह से पटरियों में जल्दी जंग लग जाएगी। इससे न सिर्फ रेलवे को नुकसान उठाना पड़ेगा, बल्कि ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की जान को भी खतरा रहेगा। फैक्ट नंबर 6, विदेश यात्रा करने के लिए पासपोर्ट सबसे अहम दस्तावेज माना जाता है, जिसके बिना आप किसी दूसरे देश में एंट्री भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार अपने नागरिकों को अलग अलग रंग का पासपोर्ट जारी करती है, जिसका अपना एक अलग महत्व होता है। भारत सरकार मुख्य रूप से नीला, मरून, सफेद और नारंगी रंग का पासपोर्ट जारी करती है, जिसमें रंग के हिसाब से यात्रियों को अलग अलग तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। नीले रंग का पासपोर्ट आम नागरिकों को दिया जाता है, जबकि सफेद रंग का पासपोर्ट सरकारी काम से बाहर जाने वाले अधिकारियों या लोगों के लिए जारी किया जाता है। वहीं इंडियन डिप्लोमैट्स और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को मरून कलर का पासपोर्ट दिया जाता है, जबकि कम पढ़े लिखे या मजदूर वर्ग के लोगों को नारंगी रंग का पासपोर्ट जारी किया जाता है। नारंगी रंग का पासपोर्ट उन लोगों को दिया जाता है जो 10वीं कक्षा तक पढ़े लिखे होते हैं और कामकाज के सिलसिले में दूसरे देशों की यात्रा करते हैं। इस तरह आप भारतीय नागरिक के पासपोर्ट के रंग को देखकर ये समझ सकते हैं कि वो किस वर्ग या क्लास से ताल्लुक रखता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।